हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स किड्स केयर। प्रेगनेंसी के 7, 8 और 9 मंथ्स में अगर आपका पेट कड़क हो रहा है, बार बार कड़क हो रहा है और पीरियड जैसा दर्द हो रहा है, तो ये किसका सिम्टम्स है? क्या आपका डिलीवरी नज़दीक है? क्या आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा? और उस टाइम आपको करना क्या चाहिए? कब आपको डॉक्टर के पास जाना है? और कैसे आप पता करेंगे ये फॉल्स लेबर पेन है या ट्रू लेबर पेन है? पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपका अभी प्रेगनेंसी का 7 मंथ्स या 8 मंथ्स या 9 मंथ्स चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है आपका अभी पेट कड़क हो रहा होगा, पीरियड जैसा आपको पेन होता होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो रहा है, आपके यूटेरस को प्रिपेयर कर रहा है लेबर पेन के लिए, और आपका डिलीवरी नज़दीक है। जैसे 7 मंथ्स में जो होता है वो फॉल्स लेबर पेन होता है, आपको पीरियड जैसा पेन होगा, पेट से लेके पीठ तक पूरा एकदम जकड़ने जैसे होगा, पीरियड्स में जैसे पेन होता है उस टाइप का होगा। और जो पेन आता है वो कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे 30 सेकंड से 60 सेकंड्स तक, या किसी किसी का 2 मिनट तक भी वो दर्द रहता है। लेकिन आप अगर पानी पी रहे हैं, या आप थोड़ा सा दूध पी लिए गर्म करके, या आप सो रहे हैं तो आप चेंज कर दीजिए साइड, तो वो ठीक हो जाता है, फिर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ही आता है। तो वो फॉल्स लेबर पेन है उसमें, और ये सब होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ केस है फॉल्स लेबर पेन के टाइम भी डॉक्टर को देखना ज़रूरी होता है। किस केस में? अगर आपको 7 या 8 या 9 मंथ्स में भी अगर आपको ऐसा पेन आ रहा है जो कि रेगुलर नहीं आ रहा है, आज आया फिर 2 दिन बाद आया, 60 सेकेंड्स का पेन आया, लेकिन इसके साथ आपको अगर कुछ ब्लीडिंग भी हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, या आप पानी पीने से या कुछ भी करने से नहीं ठीक हो रहा है, और इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है और टेम्परेचर भी थोड़ा है, तब तो आपको जैसे भी करके डॉक्टर के पास दिखाना ही है। देन कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू लेवर है और आपका डिलीवरी नज़दीक ही है? अगर आपका जो ये पेट बार बार कड़क हो रहा है और पीरियड जैसा दर्द हो रहा है, ये आपको 1 घंटे में 3-4 बार दिखाई दे गया, 60 सेकंड्स तक या 2 मिनट तक ये पेन आ रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, और फिर से आ रहा है, फिर से ऐसे रिपीटेडली 2-3 बार आ गया, और आप उस दौरान पानी पिए, गर्म दूध पिए, आप जो भी कर ले, थोड़ा सा स्लो वॉक करने से भी ये नहीं जा रहा है, तो समझ जाइएगा कि डेफिनेटली ये आपका ट्रू लेबर पेन ही है। और जब आपको कंटिन्यूसली 1 घंटे में 2-3 बार ऐसा पेन आ गया, और जनरली ये होता कब है? 9 मंथ्स के आसपास, जब आपका डिलीवरी डेट आग पाक होता है उसी टाइम ही ये होता है, तब आप समझ जाइएगा कि आपका डिलीवरी बहुत ही नज़दीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका भी अभी 7, 8 या 9 मंथ्स चल रहा है और आपको भी ऐसा पेन आ रहा है, पेट कड़क हो रहा है, और तो मैंने जिस जो जो चीज़ बताया वो सब ध्यान रखिए, और अगर कॉम्प्लिकेशन है, प्राइवेट पार्ट से पानी निकल रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, इसके साथ बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, तो डॉक्टर को जैसे भी करके दिखाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।